Before that, let's start with the concept of formula unit mass. What is the formula unit mass? Formula unit mass of a substance is a sum of the atomic masses of all the atoms in a formula unit of a compound. Formula unit mass is calculated in the same manner as we calculate the molecular mass. क्या होता है, किसी भी फॉर्मूले में हम देखेंगे कि क्या क्या उसमें वो हैं एटम्स, कौन कौन से एटम्स हैं, और फिर उसके एटॉमिक मासेस को ले करके सम अप कर देंगे. एंड ये भी देखेंगे कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल, एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में. जैसे कि एग्जांपल देखिए NaCl. NaCl में क्या है, एक एटम सोडियम का है और एक एटम क्लोरीन का है. तो हमने क्या करा, सोडियम का मॉलिक्यूलर मास लिया, एटॉमिक मास लिया सॉरी, और क्लोरीन का एटॉमिक मास लिया, और दोनों को लेकर के सम अप कर दिया. सिंस दोनों में एक ही एक एटम है, मतलब इसमें दोनों के एक ही एक एटम है NaCl में, इसलिए एक ही होगा. पर दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे CaCl2. हियर वी कैन सी दैट इसमें क्लोरीन के दो एटम्स हैं रादर देन कैल्शियम के एक ही हैं. जैसे कि ये इस मॉलिक्यूल में, कैल्शियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल में एक कैल्शियम है और दो क्लोरीन है. तो क्या होगा, एक कैल्शियम का एटॉमिक मास लेंगे 40 और दूसरे का लेंगे 2 × 35.5. तो उससे क्या होगा, 40 + 71 इसलिए हो जाएगा 111 यूनिट्स हो जाएगा. अब आता है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ H2O2, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ईथेन और इथिलीन और अमोनिया एंड मिथाइल हाइड्रोक्साइड. तो इन सब के आप निकाल सकते हो. देखिए जैसे कि हाइड्रोजन में होगा, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का 2 × 1 इज इक्वल्स टू 2. तो 2 हो जाएगा, 2 यूनिट्स हो जाएगा. ऐसे ही ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी कि टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा 2 × 16 दैट इज इक्वल टू 32. ऐसे ही क्लोरीन में 35.5 × 2 दैट इज 71. ऐसे ही बाकी सब के भी आप निकाल लेंगे. अब देखिए, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मासेस ऑफ ZnO NO2. अब आपके पास जिंक का मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, सोडियम का दिया हुआ है, पोटेशियम का दिया है, कार्बन का दिया है और ऑक्सीजन का दिया है. तो इससे ZnO का भी निकाल सकते हैं, दैट इज जिंक ऑक्साइड. सोडियम डाइऑक्साइड का भी डाइसोडियम ऑक्साइड का भी निकाल सकते हैं, दैट इज Na2CO और K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट का. तो इनका आप, क्योंकि आपको दिया है एटॉमिक मासेस, तो आप क्लियर कर सकते हो. अब आता है मोल कॉन्सेप्ट. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. क्या हो रहा है, ये इक्वेशन देखिए, इसमें क्या हो रहा है, H2 + O2 गिव्स H2O. तो इसमें क्या हो रहा है, जब आपको दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स यूज़ कर रहे हैं और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, तो आपको दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिल रहा है. द अबव रिएक्शन इंडिकेट्स दैट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कम्बाइन विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. फिर क्या होता है, 4 यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स. अब क्यों 4 यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बोला जा रहा है, कंबाइन विद 32 यूनिट्स ऑफ, क्यों, आपको मैंने बताया था कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का वेट 2 × 1 दैट इज 2 यूनिट्स हो जाएगा, और यहाँ पे इस इक्वेशन में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं, दैट इज 2 × 2 दैट इज 4 यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन. और ऑक्सीजन का बताया ही था कि 16 × 2 होता है, दैट इज 32. तो 4 यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन, 32 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म. अब वाटर का देखिए, 2 × हाइड्रोजन का एटॉमिक मास दैट इज 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 1 दैट इज 16, 16 + 2 = 18 हो गया. और 18 को जब हम 2 से, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑब्टेन हो रहे हैं, तो 18 × 2 36 यूनिट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होगा. इसको आपको थोड़ा सा, यू नीड टू टेक पेन एंड पेपर एंड देन यू विल अंडरस्टैंड. कीप राइटिंग, आई टेल यू, कीप इट, राइट इट डाउन. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके दो वाटर के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, ठीक है. अब
हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 2 × 1, दैट इज़ 2 यूनिट्स. और क्योंकि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है तो इससे यहाँ क्या हुआ, 4 यूनिट्स हो गए. ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, उसका एटॉमिक मास है 16, तो 2 × 16 दैट इज़ 32 यूनिट्स. तो यहाँ पे इस इक्वेशन में 32 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीजन यूज़ हो रही है. और वाटर का 18 यूनिट्स आता है एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, और उसके 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं तो 2 × 18 36 यूनिट्स. ठीक है, वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंसेस कैन बी कैरेक्टराइज बाई इट्स मास और द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इंडिकेट्स डायरेक्टली द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन. क्या हो रहा है, तुम यहाँ पे हमारे पास केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है, उससे हमको ये पता लग रहा है कितने एटम्स और कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. देयरफॉर इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू रिफर टू द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स और एटम्स रादर देन देयर मासेस. तो वो क्या कह रहे हैं कि इसको इस तरह से उनके मासेस से कंपेयर करने की जगह हमें उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स को से उसको रेफर करना चाहिए, क्योंकि हर बार ही मास निकाल करके करना उसको पॉसिबल नहीं होता, बहुत ही मेहनत का काम है और कोई भी रेलेवेंस नहीं निकलता. सो अ न्यू यूनिट मोल वॉज इंट्रोड्यूस. 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज दैट इज एटम्स, किसी भी एटम्स आयंस या पार्टिकल्स के लिए, वो ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें उसका मास, मतलब जो ऐसी इज अ क्वांटिटी इन नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिकुलर मास इन ग्राम्स. जैसे कि आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक, और अगर ऑक्सीजन का एटम है तो 1 मोल ऑक्सीजन का, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का होगा 16 यूनिट्स का. पर आपका जब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा तो वो 2 × 16 32 हो जाएगा, तो वो 32 हो जाएगा उसका, मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो जाएगा 32 यूनिट्स का. तो ये आपका कॉन्सेप्ट आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये मोल की डेफिनेशन, 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज दैट इज एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस और पार्टिकल्स इज दैट क्वांटिटी इन नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स. अब क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स्ड विद अ वैल्यू ऑफ 6.022 × 10⁻³. ये कह रहे हैं कि किसी भी एटम पार्टिकल्स में, एटम मॉलिक्यूल और 1 मोल में जो है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे दैट इज 6.022 × 10⁻³. इसको हमने कहा है एवोगैड्रोस कांस्टेंट और एवोगैड्रोस नंबर. अगर हमारे पास, हमने ये कहा कि हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, इसका ये मतलब है कि उस 1 मोल में 6 × 10⁻³ मतलब वो हैं, क्या कहते हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं. अब ऑब्वियसली इनको एवोगैड्रोस नाम के एक साइंटिस्ट ने निकाला था, इसलिए इसका नाम एवोगैड्रोस नंबर पड़ा. जैसे कि हमारे पास 1 डजन में 12 होता है, 1 ग्रॉस में 144 होता है, उसी तरह से हमारे 1 मोल में, किसी भी 1 मोल में अगर आप चीनी के भी पार्टिकल्स उठाएंगे, उसका 1 मोल पूछेंगे तो 6 × 10⁻³ होगा. बिसाइड्स बींग रिलेटेड टू अ नंबर, अ मोल हैज़ 1 मोर एडवांटेज ओवर अ डजन और अ क्रॉस. दिस एडवांटेज इज दैट अ मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ पार्टिकल इज ऑल्सो फिक्स्ड. ठीक है, द मास ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिकुलर मास. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ऑक्सीजन का एटम होगा तो उसका 16 होगा, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा तो 32 होगा. वही वो कह रहा है कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिकुलर मास इन ग्राम्स. ठीक है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट गिव्स अस द मास ऑफ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन द एटॉमिक मास यूनिट्स. टू गेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ एटम ऑफ दैट एलिमेंट दैट इज मोलर मास, वी हैव टू टेक द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू. क्या कह रहा है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट गिव्स अस द मास ऑफ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन एटॉमिक मास. द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट गिव्स अस द मास ऑफ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन द एटॉमिक मास यूनिट्स. टू गेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट दैट इज मोलर मास, वी हैव टू टेक सेम न्यूमेरिकल वैल्यू बट चेंज द यूनिट्स फ्रॉम यू टू
ग्राम। तो जो ऊपर हम लोग फॉर्मूला मैसेज में जब देख रहे थे उसमें यू यूज़ कर रहे थे, उसकी जगह अब हम जी यूज़ करेंगे और हम उसको ग्राम्स में कह देंगे। जैसे कि पहले हम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 यूनिट बोल रहे थे, अब उसको 1 ग्राम में कर दे रहे हैं। तो ये है नहीं, बस इसको आपने अपनी कन्वीनियंस के लिए ये सारे डेफिनेशंस डिफाइन करें। ये मतलब नहीं है कि एक एटम हाइड्रोजन का 1 ग्राम वेट कर रहा है, बट जस्ट फॉर आर कन्वीनियंस वी हैव यूज दैट यूनिट टू इंक्लूड द कंसेप्ट ऑफ मोल। हमने ये मोल के लिए, मोल के कंसेप्ट के लिए शुरू कर दिया। अब 1 यूनिट हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैज़ 1 मोल एटम्स, दैट इज देखो 1 यूनिट 1 एटम, 1 ग्राम मतलब 6×10^23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली 16 यूनिट्स ऑक्सीजन हैज़ ओनली 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन हैज़ 1 मोल एटम्स, दैट इज 6×10^23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। टू फाइंड द ग्राम मॉलिकुलर मास और मोलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल वी कीप द न्यूमेरिकल वैल्यू द सेम एज द मॉलिकुलर मास बट सिंपली चेंज यूनिट्स एज अबव फ्रॉम यू टू जी। फॉर एग्जाम्पल एज वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर इज 18 यूनिट्स, फ्रॉम हियर वी अंडरस्टैंड दैट 18 यूनिट 1 मॉलिक्यूल पर 18 ग्राम 1 मोल हो जाएगा। केमिस्ट नीड्स द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाइल कैरिंग आउट रिएक्शंस एंड फॉर दिस दे नीड टू रिलेट द मास इन ग्राम्स। ठीक है, जैसे कि आपको बताया कि अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए शुरू करा गया। तो हर मोल के लिए कितने, जब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर एक मोल किसी भी चीज़ का होगा तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 6×10^23 और मास उसका जो है, जो उसका मॉलिकुलर मास होगा उसको ग्राम्स में कर देंगे। Thus, a mole is the chemist counting unit. The word mole was introduced around 1896 by Wilhelm Ostwald, who derived the terms from the Latin word moles, meaning a heap or pile. A substance may be considered as a heap or atoms of molecules. We are done with this lecture. We will be back with next lecture in the next video. Thank you so much.